हेलो फ्रेंड्स, कृष्णा की रसोई में आज आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही स्पेशल और अलग तरीके की मिठाई। आज हम बनाएंगे नारियल की बर्फी, जो मार्केट में बहुत महंगी मिलती है। आज हम घर में कम समय और कम सामान में नारियल की बर्फी बनाएंगे। इसके लिए मैंने कढ़ाई में एक कटोरी दूध लिया है। दूध के साथ ऊपर जो मलाई थी उसको भी मैंने साथ ही लिया है, क्योंकि हम घी मावा कुछ भी यूज नहीं करेंगे, इसलिए मलाई ली है। एक चम्मच नारियल का बुरादा लिया है, एक बड़ी चम्मच पिसी हुई चीनी, जिसे बुरा चीनी कहते हैं, वो ली है। अब इन्हें हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स। देखिए, इस तरह से मिक्स करने के बाद मैंने इसमें एक ऐड करूंगी मैं एक चम्मच मिल्क पाउडर। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप दूध की क्वांटिटी ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरह से हमें अच्छे से इन्हें कर लेना है मिक्स। मिक्स करने के बाद ये थोड़ा सा मुझे गाढ़ा लग रहा है, इसमें 2-3 चम्मच दूध में और यूज करूँगी। देखिए, इस तरह से हमें मिक्स कर लेना है। अब हम कर लेते हैं गैस को ऑन और गैस पे रख देते हैं कढ़ाई, और मीडियम फ्लेम पे 5 से 6 मिनट तक हमें इसे चलाते और पकाते रहना है। बस इतने से ही सामान में आज हम नारियल की बहुत ही टेस्टी बर्फी बना के तैयार करेंगे। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप 1/2 लीटर दूध लेके और उसको गाढ़ा कर लीजिए और वो यूज कर सकते हैं। देखिए, इसी तरह से हमें 5 से 6 मिनट तक इसे चलाते रहना है। धीरे धीरे ये गाढ़ा होने लग जाएगा। तब तक फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, घंटी के बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। देखिए, धीरे धीरे ये बिल्कुल गाढ़ा होने लग गया है। इसी तरह से हमें इसे 5 से 6 मिनट तक चलाते रहना है। इसमें ना ही तो ज़्यादा कोई सामान यूज होता और ना ही ज़्यादा टाइम लगता। फटाफट ये झटपट बनने वाली मिठाई नारियल की बर्फी बना के तैयार करेंगे। तीज रक्षाबंधन पे आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए, इसी तरह से ये धीरे धीरे कढ़ाई को बिल्कुल छोड़ने लग जाएगा, तब ये बन के तैयार हो जाएगा। देखिए, धीरे धीरे इसने कढ़ाई को छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। तब तक फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, घंटी के बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। देखिए, इस डो ये बिल्कुल एक अच्छे से डो के फॉर्म में आ गया है और कढ़ाई को भी बिल्कुल छोड़ दिया है। इसी तरह से बस ये तैयार है बिल्कुल। अब गैस को हम कर देते हैं बंद, और मैंने ये एक मिठाई का डिब्बा है मेरे पास ये लिया है। आपके पास जो भी प्लेट वो हो आप उसमें इसे जमा सकते हैं। ये मैंने एक पेपर लिया है और पेपर पे ये डो नारियल का जो हमने तैयार किया है मिठाई के लिए उसको हम इसमें ऐड करेंगे। अगर आपके पास डिब्बा इस तरह का प्लेट नहीं तो प्लेट में आप घी लगा के, डिब्बा नहीं है तो घी लगा के उसमें आप इस तरह से इसे जमा सकते हैं। अब हमें इसे अच्छे से इस तरह से चम्मच से या हाथ से अच्छे से सेट कर लेना है। देखिए, मैं हाथ से ही कर लेती हूँ। इस तरह से इसे हमें अच्छे से सेट कर लेना है बिल्कुल अच्छे से। बहुत ही टेस्टी और अच्छी मिठाई बनती है कम समय में और कम सामान में। ना ही तो इसमें घी का यूज होता और ना ही चाशनी बनानी पड़ती, ना ही मावे का। देखिए, ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया है। 2 घंटे के लिए रख देते हैं फ्रिज में। देखिए, 2 घंटे हो गए हैं, हमारी मिठाई बन के तैयार है। इसे हम इस तरह से रख के पेपर को कर देते हैं साइड में और इसकी करते हैं हम कटिंग। देखिए, कितनी सॉफ्ट और स्मूथ ये मिठाई बनके तैयार हुई है, कितनी अच्छे से कट रही है। आप अपने हिसाब से कट कर लीजिएगा, छोटी बड़ी जैसे भी। मैं इसे बड़ी साइज में कटिंग करूंगी। देखिए, कितनी अच्छी और सॉफ्ट आराम से कट रही है। अब इसे सजाने धजाने के लिए मैं इसमें पिस्ता को काट के इस तरह से ऊपर लगा लेती हूँ। आप बादाम, काजू, पिस्ता जो भी आपकी पसंद का लगा सकते हैं। तैयार है हमारी ये नारियल की बहुत ही टेस्टी और अच्छी सी बर्फी। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तीज और रक्षाबंधन पे ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। और मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। देखिए फ्रेंड्स, कितनी अच्छी और कितनी टेस्टी हमारी ये नारियल की बर्फी बन के 10 मिनट में तैयार हो गई है। ना ही तो इसमें कोई मावा यूज करना, ना ही चाशनी, ना ही घी। बहुत ही झटपट बनके तैयार होने वाली ये मिठाई।
बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाली मिठाई नारियल की बर्फी तैयार है, आप जरूर ट्राई कीजिएगा। तब तक फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, घंटी के बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। देखिए, तैयार है हमारी ये झटपट बनने वाली नारियल की बर्फी, जो मार्केट में बहुत महंगी मिलती है। हमें कितना झंझट करना पड़ता है, जाओ वहाँ से इतनी महंगी मिठाई खरीद के लाओ, हम 10 मिनट में घर पे बना के तैयार कर सकते हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी, और इसे आप 10 से 15 दिन तक स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होती है। नारियल की बर्फी बहुत ही टेस्टी, मुँह में घुल जाने वाली ये मिठाई तैयार है। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।